हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन। आज हम इररेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के बारे में बात करते हैं। कुछ व्यूअर्स ने वीडियो के बारे में डिमांड की, उन्होंने अपने जानने के लिए हमें डिमांड रखी, तो आज हम इस पे एक वीडियो बनाएंगे। लेकिन इससे पहले मैं कुछ आपसे बात करना चाहता हूँ। हमारे सोसाइटी में बहुत बड़ी अज्ञानताएं हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को लेकर, और हमें आवश्यकता है कि हम अपने को एजुकेट करें, अपने सिस्टम को समझें, अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझें। बिकॉज हम केवल एजुकेशन लेने के बाद ही हम उसको ट्रीट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। आपके शरीर में आपकी जो फिजियोलॉजी है उसको नॉर्मल करने की कैपेसिटी है और आपकी बॉडी उसको नॉर्मलाइज कर सकती है। सो आप अपने को एजुकेट करें और मेरा वीडियो पूरा देखें, उसको अंडरस्टैंड करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आइकन बेल बजाएं और अपने दोस्तों में शेयर करें। और यदि आपकी कोई क्वेरीज है, कोई कमेंट्स है, आप और कुछ ज़्यादा जानना चाहते हैं अपने हेल्थ के बारे में, कोई आपको कोई डिसीज़ है, आपके फ्रेंड्स को कोई डिसीज़ है, तो आप हमें लिखें, हम उस पर नेक्स्ट वीडियो शूट करेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक कॉमन साइकिल है और एक क्लीनिंग है बॉडी का, जो कि जनरली 21 डेज से 35 डेज का हो सकता है। आई हैव सीन इन माय प्रैक्टिस, मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये देखा है कि एवरी फोर्थ और फिफ्थ फीमेल आर सफरिंग द इररेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। बहुत सारे लोग और आप भी हो सकते हैं इररेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड्स की प्रॉब्लम से आप सफर कर रहे हैं। उसके साथ बहुत सारे मिथ्स जुड़ जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम जुड़ जाती हैं और लोग अननेसेसरी फियर के साथ जीते हैं। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है फियर के साथ जीने की। मैंने बहुत सारे पेशेंट को नेचुरली ट्रीट किया है, उनको बिल्कुल ठीक किया है, और इररेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड्स होने के बावजूद भी उन्होंने नेचुरली कंसीव किया है, उनकी फर्टिलिटी नॉर्मल है, उनकी हेल्थ नॉर्मल है। उस तरह से आप भी एक बहुत अच्छी नॉर्मल लाइफ स्टाइल जी सकते हैं। इररेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के बावजूद भी आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो प्रभावित नहीं होगी। आप हेल्दी रहेंगे, आप फर्टाइल रहेंगी, आप बच्चा प्रोड्यूस करेंगी और आप नेचुरली कंसीव करेंगी। सो सबसे पहली आवश्यकता है कि इन सारे मिथ से और अंधविश्वास से और अनसेलेक्टिव जो इंफॉर्मेशन आप लेते हैं उनसे आप बचें। अब हम आते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल यदि आपका इररेगुलर है तो उसके क्या लक्षण हो सकते हैं। आपके शरीर पे बहुत ज्यादा बाल हो सकते हैं, हेयर फॉल हो सकता है, आपकी आवाज हैवी हो सकती है, लोअर एब्डोमन जो एरिया है आपका उस पे आपको फैट आ सकता है और आपको हार्मोनल प्रॉब्लम्स देखे जा सकते हैं। सो ये बहुत कॉमन से सिम्टम्स हैं। सो ये इसको पहचानने के लिए आप जरूरी है कि आप अपने सिम्टम्स को समझें। अब आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो एक से दो दिन रह सकती है और मैक्सिमम 5 डेज रह सकती है। आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपको थोड़ा बहुत इररेगुलर फ्लो आ सकता है, लोअर एब्डोमन पेन हो सकता है, पोस्ट मेंस्ट्रुअल जो पेन जनरली देखा जाता है वो हो सकता है, लो बीपी हो सकता है और आपको मूड डिसऑर्डर आ सकता है, इररेगुलर मूड की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये बहुत नेचुरल है, इनको समझने की जरूरत है, पॉजिटिवली इनके साथ डील करने की जरूरत है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है। अब हम बात करते हैं कि इररेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के कॉजेस क्या होते हैं, ये क्यों आते हैं हमारे शरीर में, हम इनके साथ क्यों इस प्रॉब्लम में हम आ जाते हैं, तो इसको हम समझने की जरूरत है। इररेगुलर मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम में सबसे जो पहला कॉज देखा गया है वो ओबेसिटी है, आपका मोटापा आ जाता है, आपका वेट बढ़ जाता है। सेकेंड लेवल पे आपका स्ट्रेस है, जो वर्किंग स्ट्रेस है, आपको लाइफस्टाइल स्ट्रेस है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। उसके बाद आपकी हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं, हार्मोनल प्रॉब्लम्स में आपको पीसीओडी हो सकता है, पीसीओएस हो सकता है और थायराइड की प्रॉब्लम्स हो सकती है। एनीमिया भी एक कारण है, एनीमिया खून की कमी हो जाना, आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन, आयरन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम की कमी हो जाती है, उसके कारण एनीमिया देखा जाता है, या फिर आपका अपना जो एब्जॉर्प्शन है वो एक इशू रहता है। स्मोकिंग एक रीजन है, अल्कोहल एक रीजन है और कैफीन, एक्सेसिव कैफीन से भी आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रभावित होगी। और जो नाउडेज देखा जाता है, जो लोग बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते उनको इररेगुलर पीरियड्स हो सकता है, या जो लोग बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं उनको भी इररेगुलर पीरियड हो सकता है।
और एक सबसे बड़ी बात, मेस्ट्रुअल साइकिल का जो प्रॉब्लम है वो साइकोसोमेटिक भी है। यदि आपकी फ्रेंड्स को पीरियड इररेगुलर है तो हो सकता है कि आपको भी कुछ दिन के लिए पीरियड इररेगुलर हो जाए, तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। पॉजिटिव जो थॉट है और जो आपके पास एजुकेशन है, राइट एजुकेशन, उससे आप उसको डील कर सकते हैं। सो कॉमनली जो देखा गया है इंडियन सेटअप में वो हाइपोथायरायडिज्म, थायराइड की प्रॉब्लम, पीसीओडी, पीसीओएस, जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर मतलब किसी ना किसी को फैमिली में ओबेसिटी या इररेगुलर मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम या फिर कोई भी हार्मोनल प्रॉब्लम पहले से रहा होता है, तो वो नेक्स्ट जनरेशन में रिफ्लेक्ट करता है। उसको हम नेचुरल लाइफ स्टाइल के साथ प्लस एक्सरसाइज, राइट फूड, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड राइट स्लीप के साथ मैनेज कर सकते हैं। अब बात आती है कि भाई नेचुरल सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं यदि किसी को इररेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड है तो। यदि आपको 21 दिन से 35 दिन के अंदर पीरियड्स आते हैं तो देयर इज नो प्रॉब्लम। इफ आपका पीरियड 45 डेज से ज्यादा जाता है, यानी आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल 45 दिन से ज्यादा चली जाती है, दो दो तीन तीन महीने हो जाते हैं, या आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल ब्लॉक हो जाती है, तो उसमें फिर आपके कुछ नेचुरल मेथड है और फिर उसकी स्टेजेज हम बताएंगे कि आप किस स्टेज में आते हैं। सो नेचुरल सॉल्यूशन में सबसे पहले इमीडिएटली स्टार्ट एक्सरसाइज, यानी वॉकिंग शुरू करें। वॉकिंग और सूर्य नमस्कार और एरोबिक एक्सरसाइज एंड बैकवर्ड फॉरवर्ड बेंडिंग इज डायरेक्टली हेल्पफुल टू रेगुलेट द मेंस्ट्रुअल साइकिल एवरी मंथ। वेट मैनेजमेंट, यदि आपका वेट ज्यादा है तो वेट घटाएं, लाइफ स्टाइल मॉडिफाई करें, एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें फॉर द स्ट्रेस मैनेजमेंट। आप मेडिटेशन करें, अच्छी स्लीप लें, वॉकिंग करें और अपने स्ट्रेस को मैनेज करें विद द नेचुरल मेथड्स। वॉकिंग बहुत हेल्पफुल है। और इसके बाद आपका आता है स्टॉप अल्कोहल, कैफीन, कोडीन, अल्कोहल, किसी भी तरह का नशा इमीडिएटली बंद कर दें। उसके बाद आता है कि आपको यदि फैटी लीवर हो गया, कुछ केसेस में देखा जाता है कि फैटी लीवर हो जाता है, आपकी बॉडी पे आपकी दवाइयां काम नहीं करती, फैटी लीवर से आपको पीसीओडी होता है, पीसीओडी से आपको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स होते हैं। सो फैटी लीवर ठीक होगा, मोटापा घटेगा, आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल ठीक होगी एंड पीसीओडी, पीसीओडी, पीसीओएस इंप्रेशन भी आपका कम हो जाएगा। अब बात आती है कि क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं यदि आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल 40 डेज से अबव जाता है और आपको ये प्रॉब्लम रेगुलर बनी रहती है और नेचुरल मेथड से भी आपको फायदा नहीं होता है, तो इमीडिएटली आपको कुछ फूड बंद करना होगा। मींस मिल्क कंप्लीटली स्टॉप कर दें, सॉल्ट मिनिमम कर दें, चावल और आपका जो भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, आपका राइस है, आपका आलू है, और आपका जितने भी आपको कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं वो आपको स्टॉप करने पड़ेंगे, मिल्क भी स्टॉप करना पड़ेगा। और उसके बाद नेचुरल कुछ फूड है जो आप यदि नेचुरली आप अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल को डील कर सकते हैं, कच्चा पपीता खाएं आप, अनरिप पपाया इज डायरेक्टली हेल्पफुल टू डील विद योर मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम। सेकेंड लेवल पे आप टर्मरिक ले सकते हैं, मींस हल्दी आप लें अपने फूड में, हल्दी शामिल करें एंड देन जिंजर, अदरक। ये तीन ऐसे फूड हैं जिनके रेगुलर इस्तेमाल से आप अपनी इररेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल को, पीरियड्स को ठीक कर सकते हैं। यदि इसके बाद भी आपको फायदा नहीं होता है, आप सेकेंड स्टेज या थर्ड स्टेज में हैं, तो इसका मतलब है कोई ना कोई अंडरलाइन प्रॉब्लम आपको है। कोई थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, पीसीओडी हो सकता है, पीसीओएस हो सकता है। सो इमीडिएटली कंसल्ट विद द डॉक्टर्स एंड स्टार्ट द मैनेजमेंट एंड राइट फूड, राइट स्लीप प्लस द ट्रीटमेंट। आपको आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं, फिजिशियन से कंसल्ट कर सकते हैं, यू कैन कंसल्ट विद अस। यदि आपको हमसे कंसल्ट करना है तो टेक ए अपॉइंटमेंट, आप हमें कॉल करें, मैसेज करें एंड बट स्टार्ट इमीडिएटली द ट्रीटमेंट एंड बी पॉजिटिव। आप सकारात्मक सोचें, यू कैन लिव ए गुड क्वालिटी लाइफ विद अ इररेगुलर मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच।